Hi guys, this is Dr. Anjali. Welcome or welcome back to my YouTube channel and I hope guys are doing good today. तो friends, आज मैं आपको बताऊंगी होम्योपैथी का पेन किलर, यानी कि होम्योपैथिक में एक ऐसा पेन किलर है जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट है, यानी कि आपके शरीर में अगर कहीं पर भी किसी भी प्रकार का दर्द रहता है, यानी कि पेन रहता है, तो उसे तुरंत रिलीफ करने में, पेन रिलीफ करने में बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। सबसे खास बात है दोस्तों इसकी कि हर एक एज कैटेगरी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको किसी भी टाइप का दर्द है पूरे शरीर में कहीं पर भी किसी भी वजह से हो चाहे, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। इनफैक्ट ये जो है बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस का है, साइड इफेक्ट्स नहीं है, प्योर होम्योपैथिक प्रोडक्ट है, आपको इसे अपने घर पे जरूर से जरूर रखना चाहिए, इमरजेंसी कंडीशन पे बहुत ही ज्यादा लाभप्रद है। सो बिना वक्त गवाए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन इन द वीडियो। जैसे कि फ्रेंड्स, अगर आपको पूरे शरीर में कहीं पर भी दर्द हो, चाहे आपके घुटनों में दर्द हो रहा हो, ओल्ड एजेस में स्पेशली जो बुजुर्ग होते हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा कॉमन होता है घुटनों में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, नी में, जॉइंट्स में पेन होना, साथ ही साथ मसल्स में बहुत ज्यादा स्टिफनेस होना, जो मांसपेशियां में बहुत ज्यादा अकड़न रहती है, बहुत ज्यादा कमजोर रहती है, जिस वजह से आप थोड़ा सा भी चलते हो तो आपको पैरों में बहुत ज्यादा वजन हैवीनेस लगती है जिससे आप चल नहीं पाते हो, घुटनों में दर्द हो, चाहे महिलाओं के अंदर स्पेशली जो कमर दर्द की समस्या ही क्यों ना होती हो, अगर उन्हें बहुत ज्यादा बैकेज की प्रॉब्लम रहती है, उन्हें लंबेको की प्रॉब्लम है, चाहे वो स्लिप डिस्क की वजह से, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी होती है दोस्तों वो बहुत ही ज्यादा खिसक जाती है, उस वजह से क्या होता है कि हमारे जो है जो कमर होती है, कमर के हिस्सा जो होता है वहां पर दर्द होता है, चाहे आपको शाइटिका की प्रॉब्लम हो, जो आपकी शाइटिक नर्व होती है आपकी कमर से जो आपके पैरों के नीचे तक जाती हैं, थाई से लेग्स तक, फुट तक एक्सटेंड करती हैं, वो नर्व्स कंप्रेस हो जाती हैं, दब जाती हैं, अगर आपको जैसे हड्डी खिसक जाती है रीढ़ की तो उसकी वजह से वो दब जाएगी तो आपको दर्द होता है, जो एक्सटेंड कर जाता है नीचे तक, पैरों तक जाता है, तलवों तक जो है दर्द बना रहता है, तो उस कंडीशन पे जो मैं आपको ये पेन किलर बताऊंगी, ये सभी इन सारी कंडीशन में बहुत ही ज्यादा पेन को रिलीफ करने में बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। वो है दोस्तों रूमा क्योर सिरप। ये जो रूमा क्योर सिरप होता है, एक्चुअली ये जो इसकी प्राइस भी बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। खरीदना चाहते हैं तो इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर नीचे प्रोवाइड कर दूं। जल्दी से जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, लिंक को क्लिक कीजिए और वहां से आप इसे खरीद सकते हैं। ओनली आपको प्राइस इसकी 300 अराउंड मिल जाती है मार्केट में, जो बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है। इसकी जो ml है आपको 450 ml अराउंड आपको मिलता है, आराम से आपको 2 महीने तक चल जाता है। और डोजेस की भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसके हम बेनिफिट्स के बारे में जान ले। तो ये जो दोस्तों होम्योपैथिक में, अगर मैं आपको बताऊं तो होम्योपैथिक में बहुत सारे ऐसे पेन किलर्स अवेलेबल हैं, लेकिन सबसे बेस्ट अगर मैं बताऊं जिसके रिजल्ट जो है दोस्तों अगर मैं देती हूं तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट जो है वो रूमा क्योर सिरप के ही देखने को मिले हैं, तो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सिरप नॉट ओनली आपके पेन के लिए अच्छा है, साथ ही साथ अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो, जोड़ों में सूजन भी बनी हुई हो, उसके साथ दर्द हो रहा हो, एकदम वो एरिया बहुत ज्यादा एकदम इन्फ्लेम्ड हो गया हो, उस पे सूजन आ गई हो, दर्द उसमें हो रहा हो, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको समस्या है अर्थराइटिस की या फिर रूमेटॉइड अर्थराइटिस की, आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन पे अगर आप जो भी ट्रीटमेंट लेते हैं, ट्रीटमेंट तो आपको बिल्कुल बेशक आपको लेना ही लेना है, चाहे आप कोई सा भी ट्रीटमेंट ले रहे हो, होम्योपैथिक हो, एलोपैथी हो, लेकिन उसके साथ अगर आप बोलते हैं ना दोस्तों कि इतना ज्यादा दर्द होता है, कि असहन दर्द होता है, तो उसके लिए तुरंत रिलीफ करने के लिए आपको ये सिरप का उपयोग करना चाहिए, घर पे जरूर रखिए तो बहुत अच्छा है। कोई भी अगर चोट लग जाती है उसमें भी दर्द रहता है, हाथों पैरों में अगर आपको दर्द बना रह रहा हो, चाहे बहुत ज्यादा अकड़न आ रही हो हाथ पैरों में, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। वीकनेस अगर हो हैंड्स में, साथ में मसल्स में वीकनेस हो, साथ ही साथ अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें, यानी कि क्या क्या होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें डली हुई है, इसमें जो मेडिसिन डली है वो है दोस्तों एलियम सेटाइवा डली है, साथ ही साथ इसके अंदर जो है ग्वाइकम मेडिसिन डली है जो जोड़ों के सूजन के लिए बहुत अच्छी है, साथ ही साथ इसमें ब्रायोनिया मेडिसिन, स्पेशली चलते टाइम या मूवमेंट करते टाइम या एकदम से उठते हो आप, उस समय आपको दर्द ज्यादा रहता है तो उस कंडीशन में ब्रायोनिया बहुत अच्छी काम करती है। साथ ही साथ इसमें यूपिटोरियम मेडिसिन, जनरल वीकनेस अगर हो गई, जैसे कोई सा भी आपको बीमारी हुई हो बहुत सीवियर टाइम से, अगर आप 1-2 महीने से बीमार चल रहे हो, उसके बाद शरीर में एकदम थकान सी, दर्द जोड़ों में दर्द होने लग जाता है, शरीर में दर्द, तो उसके लिए भी अच्छी है। साथ ही साथ इसमें सिमिसिफू का मेडिसिन है, अगर आपको स्पॉन्डिलाइटिस जैसी प्रॉब्लम रही है, यानी कि अगर गर्दन के आसपास आपको बहुत ज्यादा दर्द महसूस रहता हो, तो उसके लिए स्पॉन्डिलाइटिस के केसेस में सिमिसिफू का बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। साथ में इसमें स्पाइजिलिया मेडिसिन, अगर आपको हेडेक जैसी प्रॉब्लम भी रहती हो, इनफैक्ट इसमें रस्टॉक्स मेडिसिन डली है, रस्टॉक्स जो होता है स्पेशली अगर आपको ऐसा दर्द हो रहा हो जो स्पेशली रेस्ट करने के दौरान, यानी कि आप जैसे कि बैठे हो, आराम से सोए हुए हो, लेटे हो,
सिटिंग पोजीशन पे हो लेकिन फिर भी आपको दर्द हो रहा है, तो उस कंडीशन पे बहुत ही ज्यादा उपयोगी हमारी रेस्टॉक्स मेडिसिन जो इसमें डली हुई है। इनफैक्ट इसके साथ आपको नेट्रम्फोस मेडिसिन एंड मैकफोस मेडिसिन भी डली हुई है। मैकफोस स्पेशली मसल्स में जो एकदम स्टिफनेस आ जाती है, जो मांसपेशियों में एकदम दर्द होता है आपके, तो उसके लिए बहुत अच्छी, उसको रिलीफ करने के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। अब बात करते हैं आप इसे कैसे उपयोग करेंगे, इसको लेने का तरीका क्या है। तो बेशक आप इसे घर पे जरूर रखिए और इसकी जो है 2 चम्मच भर के जो है दिन में आपको 2 बार उसका उपयोग करना है आफ्टर मील, यानी कि आप जब भी मील लेते हैं, खाना लेते हैं, उसके आधे घंटे बाद खाना खाने के बाद आपको इसे 2 चम्मच लेना है, दिन में 2 बार लेना है और हमेशा आधे घंटे बाद ही खाने के आप उपयोग कीजिए। इसके साथ आपको एक मेडिसिन जरूर से जरूर अपने घर में रखना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, वो है दोस्तों आर्निका मेडिसिन। आर्निका आपको 1 एम पोटेंसी में खरीदना है, यानी कि जो 1000 CH होती है उस पावर में आपको खरीदना है। SOS रखिए, यानी कि इमरजेंसी कंडीशन में आपको बहुत ज्यादा अगर दर्द महसूस हो रहा है तो इस सिरप के साथ आप इस आर्निका 1 एम मेडिसिन को भी उपयोग कीजिए, बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ये जो मेडिसिन है किसी भी टाइप का पेन को रिलीफ करती है, वहां पर चोट वगैरह अगर आपको लगी, वहां पर अगर खून के थक्के बन गए हैं, साथ ही साथ वहां पर ब्लड सप्लाई अच्छा नहीं हो रहा है, तो खून का संचार बढ़ाने में भी इसका बहुत अच्छा रोल है। साथ ही साथ जो खून जम जाता है तो उसे भी ये जो है प्रिवेंट करती है, इन्फेक्शंस को खत्म करती है, तो ये दर्द के लिए भी बहुत अच्छा है। चाहे वो एक्यूट आपको पेन हो, यानी कि कुछ देर के लिए पेन रहता हो, या फिर क्रोनिक पेन हो, यानी कि सालों साल से वो दर्द आपको बना हो, उसके लिए बहुत अच्छा। अगर इसे डोजेस की बात करें दोस्तों, तो इसे जो है 1 एम पोटेंसी में आप घर पे रखिए और इसकी 4 ड्रॉप्स जो है दिन में कम से कम 2 बार आप ले सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखिए अगर आपको पेन ज्यादा हो रहा हो तो इसकी 4 ड्रॉप्स ले लीजिए, हर एक घंटे के अंतराल से 3 बार ले लीजिए, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और जीवान पे आप डाल सकते हैं इसकी 4 ड्रॉप्स। और अगर थोड़ा सा आपको तीखा या थोड़ा सा मिंट टाइप का अगर आपको टेस्ट ज्यादा आपको आ रहा है टेस्ट पे, तो आप इसमें जो है 1 चम्मच पानी के अंदर डाइल्यूट करके 4 बूंद डाल के भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और चिल्ड्रन की बात रही है, जैसे कि उनको बच्चों चोट लग जाती है, गिर जाते हैं, तो उस कंडीशन पे भी आप उन्हें दे सकते हैं। दर्द के लिए बहुत अच्छा है, दर्द को खत्म करने के लिए तुरंत बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो बच्चों के केस में इसमें आर्निका 1 एम की जो है 2 बूंद जो है उन्हें जुबान पे डाल के दिन में कम से कम 3 बार उपयोग कराइए, 1-1 घंटे के अंतराल। इन दोनों ही मेडिसिन के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर नीचे दे दी है, तो वहां से आप जरूर से जरूर खरीद सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर मुझे कमेंट बॉक्स पे जाके जरूर से जरूर बताइएगा, वीडियो का कौन सा वाला पार्ट आपको अच्छा लगा है। और साथ ही साथ आपकी जो भी और क्वायरीज हो, जो भी आप मुझसे पूछना चाहते हो, कमेंट जरूर कर दीजिए, हो सके तो मैं पूरा कोशिश करूंगी आपका जवाब देने। तो मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में, टिल देन कीप स्माइलिंग एंड जय हिंद।